टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, यहाँ पर एक लूप पड़ा हुआ है, ये रहा, इसमें कोई करंट नहीं था, पर आपने बी को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही आप बी को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे अंदर की तरफ, तो कॉइल क्या करेगा, ये देखेगा मेरा बी बढ़ रहा है, तो ये अपने करंट को ऐसे पैदा करेगा कि इसका बी बाहर आ जाए, आपके इंक्रीजिंग बी को क्या कर सके, अपोज। तो ये करंट कैसे पैदा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज। तो क्वेश्चन है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए पहले फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स है इसमें बी इंटू एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में फाई की जगह एन इंटू बी इंटू ए, इसमें एन कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, पर बी कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि बी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज, इंटू डी वी बाई डी टी। तो ईएमएफ लूप के अंदर क्या होगा, एन इंटू ए इंटू डी वी बाई डी टी। तो कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर बी चेंज हो रहा है, तो आप इस फॉर्मूले में फ्लक्स में बी को अंदर रखें, डिफ्रेंसिएशन करें, बाकी सारी चीज़ों को बाहर निकालें। जैसे एक तरीका है कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डी बी बाई डी टी गिवन होगा, आपको एन गिवन होगा, आपको ए गिवन होगा, तो यहाँ से कैसे इंड्यूस ई एम एफ निकलेगी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आपने इंड्यूस ई एम एफ निकली, अब जो ई एम एफ टर्म है, वो कई लोग सोचते हैं कि ई एम एफ दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि वायर तो सर्कुलर है, तो डिफरेंस किन दो पॉइंट्स में है, तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि सपोज ये आपके सामने वही कॉइल है, और इमेजिन करें इसमें दो दो पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे बैटरी लगी हुई हैं, हर छोटी बैटरी में ई एम एफ है डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई, सच दैट अगर आप सारे टोटल ई एम एफ निकाल लें, तो टोटल ई एम एफ इसके इक्वल आएगी। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि अगर इमेजिन कर रहे हैं कि ई एम एफ के पॉइंट्स क्या होंगे, तो आपने इसको दो 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 पॉइंट्स करके इमेजिन करना है कि वहाँ पर बैटरी लग रखी हैं बहुत सारी, एन नंबर ऑफ बैटरीज हैं, जिनके बीच में स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंट डी ई है, और उन्हें इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है यहाँ तक? तो जब ये पेपर में आएगा तब की तब देखेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको देखते हैं।